स्टार्ट कर दिया है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं कलेक्टर कॉलोनी म्युनिसिपल हिंदी स्कूल से रेनू मौर्य आज आप लोगों को साइंस 2 का 17वां हेलो मिस, माइक म्यूट है आपका। मिस, माइक म्यूट है आपका। सर स्टार्टिंग से करना पड़ेगा। हाँ, शायद कॉल आ गया था आपको, तब माइक म्यूट हुआ। ओके ठीक है, ओके स्टार्ट कर दीजिए मिस। ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रेनू मौर्य कलेक्टर कॉलोनी म्युनिसिपल हिंदी स्कूल से आज आप लोगों को साइंस 2 का 17वां चैप्टर पढ़ाने वाली हूँ, जैव प्रौद्योगिकी की पहचान। इस टॉपिक से हम प्राणी ऊतक के बारे में पढ़ने वाले हैं। सभी प्राणी बहुकोशीय होते हैं, उनका शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है और हर एक कोशिका का कार्य अलग अलग होता है। कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनाती हैं और ये ऊतक अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे कि हमारे शरीर के अलग अलग कार्य करने वाले अलग अलग अंग होते हैं, सभी अंगों के ऊतक अलग अलग होते हैं। आज हम इन चारों ऊतक के प्रकारों में से 3 ऊतक के प्रकारों के बारे में पढ़ने वाले हैं, संयोजी ऊतक, मांसपेशी ऊतक और तांत्रिकी ऊतक। शुरुआत करते हैं हम संयोजी ऊतक से। सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि संयोजी ऊतक क्या होता है। संयोजी का अर्थ होता है जोड़ना। शरीर के विभिन्न भागों को एक दूसरे से जोड़ने वाले ऊतक को संयोजी ऊतक कहते हैं। ये ऊतक में जो कोशिकाएं होती हैं वो एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं, आबद्ध होती हैं और आधारक में धसी हुई होती हैं। ये आधारक क्या होता है? आधारक एक जेली या फिर द्रव जैसा भाग होता है, ये ठोस भी हो सकता है। जैसे हमारी हड्डियां ठोस होती हैं तो यहाँ पर जो कोशिकाएं हैं वो ठोस आधारक में धसी हुई होती हैं। संयोजी ऊतक के 8 प्रकारों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। रक्त, लसिका, अंतशलीय संयोजी ऊतक, वसीय संयोजी ऊतक, उपस्थि, अस्थि, स्नायुरज्जु और अस्थिबंध। ये सभी ऊतक संयोजी प्रकार के ऊतक होते हैं, शरीर के एक भाग को दूसरे भाग से जोड़ते हैं। शुरुआत करते हैं हम रक्त से। रक्त संयोजी ऊतक है। इसका स्थान क्या होता है? आगे जितने भी स्लाइड्स हम पढ़ने वाले हैं इसी क्रम में पढ़ेंगे कि उनका स्थान कहाँ होता है, कहाँ पाई जाती हैं, उनका स्वरूप कैसा होता है, कैसी दिखती हैं और उनके कार्य क्या होते हैं। स्थान, हम सभी को पता है रक्त कहाँ पाया जाता है हमारे शरीर में। धमनी और शिराओं में रक्त पाया जाता है और ये जो धमनी और शिरा होती है शरीर के हर एक कोशिका को कवर करती है, हर एक कोशिका से जुड़ी हुई होती है। बंद रक्त संस्थान परिसंचरण, मतलब वाहिनियों में उपस्थित होती है, रक्त वाहिनियों में, जैसे कि धमनी और शिरा। इनका स्वरूप कैसा होता है? रक्त लाल कणिकाएं, श्वेत कणिकाएं, रक्त पट्टिका और द्रव्य रूपी आधारक द्वारा बने हुए होते हैं। अगर हम रक्त के एक बूंद को माइक्रोस्कोप में देखें, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, तब हमें उसमें अलग अलग जो कोशिकाएं हैं वो दिखाई देती हैं। जब हमें कोई इन्फेक्शन होता है तो हम ब्लड टेस्ट कराते हैं, CBC कराते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट। इसमें हमें सारी कोशिकाएं मिलती हैं, जिसमें श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं, लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, प्लेटलेट्स होते हैं और ये सभी कोशिकाएं प्लाज्मा में
आबद्ध होती हैं। इनका कार्य क्या होता है, रक्त का कार्य क्या होता है? जैसे कि हमें पता है शरीर का हर एक कोशिका रक्त वाहिनियों द्वारा घिरी हुई होती है, तो कोशिकाओं को अपने कार्य करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, जो कि रक्त द्वारा उनको ऑक्सीजन पहुंचाया जाता है सभी अंगों को। और हमारे शरीर में जो चयापचय की क्रिया होती है, जैसे हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद उसमें जो पोषक पदार्थ होते हैं वो कोशिकाओं द्वारा रक्त में मिला दी जाती हैं, और रक्त के द्वारा शरीर के सभी भाग को वो पोषक पदार्थ पहुंचा दिया जाता है। कोशिकाएं जब मेटाबॉलिक एक्टिविटी करती हैं तो जो बाय प्रोडक्ट होते हैं, अवांछित पदार्थ जो बनते हैं, वो भी रक्त में मिला दिया जाता है, जो बाद में किडनी में फिल्टर हो जाता है और फिर से शरीर में पहुंचा दिया जाता है। तो इस प्रकार जो रक्त है ये बंद रक्त संस्थान परिसंचरण रक्त वाहिनियों में उपस्थित होता है, अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं का बना हुआ होता है। इसका कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण है, शरीर की सभी कोशिकाओं को ऑक्सीजन पहुंचाना, पोषक तत्व पहुंचाना, संप्रेरक हॉर्मोन्स को पहुंचाना, और कोशिकाओं द्वारा उत्सर्जित पदार्थों का वहन करना और जिस अंग तक पहुंचाना है वहां पर ये रक्त द्वारा पहुंचा दिए जाते हैं। सेकेंड है लसिका। लसिका क्या होती है? हमारे शरीर में इस वीडियो में हम आगे देखेंगे, शरीर में लसिकाओं का जाल होता है। जैसे आपने ब्लड सेल्स देखा था, जैसे आपने ब्लड सेल रक्त वाहिनियों को देखा था, उसी तरह हमारे शरीर में लसिका का जाल फैला हुआ होता है। ये जो लसिकाएं होती हैं, ये हमारे शरीर में रोगों के संक्रमण से सुरक्षा का कार्य करती हैं। स्थान क्या है? शरीर के सभी कोशिकाओं के चारों ओर ये लसिकाएं पाई जाती हैं। स्वरूप रक्त केशिकाओं से स्रावित द्रव्य श्वेत रक्त कणिका व द्रव्य रूपी आधारक में इसमें मौजूद होते हैं। कभी अगर हमें चोट लग जाता है और हमारे बाहर की त्वचा निकल जाती है पर ब्लड नहीं आता, वहां पर पानी जैसा पदार्थ आ जाता है। ये पानी जैसा पदार्थ क्या है? लसिका है। कार्य रोगों के संक्रमण से शरीर की सुरक्षा करना। तीसरा है अंतशली संयोजी ऊतक। सभी बच्चे ध्यान से इस टॉपिक को देखना है, इसमें इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा दिया हुआ है, आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करने हैं और जिस क्रम में बताया जा रहा है उस क्रम में आपको समझना है। ये टॉपिक कंप्लीट होने के बाद अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अंतशली संयोजी ऊतक कहाँ पाए जाते हैं? देखो, त्वचा और मांसपेशी के बीच में पाए जाते हैं और रक्त वाहिनियों के चारों ओर पाए जाते हैं। इन्हें हम एरियोलार टिश्यू कहते हैं। स्वरूप विविध प्रकार की आबद्ध कोशिकाएं जेली जैसे आधारक व लचीले तंतु से ये बनी हुई होती हैं। इसमें जो कोशिकाएं होती हैं, अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं अंतशली संयोजी ऊतक में, ये जेली जैसे आधारक में आबद्ध होती हैं, धसी हुई होती हैं और लचीले तंतु द्वारा बनी हुई होती हैं। इनका कार्य क्या है? भीतरी अंगों को सहारा देना। अंतरंग, हमारे शरीर के अंदर जो अंग है, जैसे कि हृदय, यकृत, पाचन संस्थान, किडनी, इन सभी अंगों को सहारा देना। ऊतकों की मरम्मत में सहायता करना। अगर कभी कोई टिश्यू क्षतिग्रस्त हो जाता है तो उसके मरम्मत में ये सहायता करती हैं। भीतरी जो भी हमारे महत्वपूर्ण अंग होते हैं वहां पर ये उपस्थित होती हैं उनकी सुरक्षा के लिए। वसीय संयोजी ऊतक बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का जो जनरेशन है, लॉकडाउन में आपको पता ही है बहुत सारे बच्चे मोटे हो गए। क्यों मोटे हो गए? अचानक से उनके शरीर का साइज कैसे बढ़ गया? वसीय संयोजी ऊतक के कारण। स्थान क्या है? त्वचा के नीचे आंतरिक अंगों को घेरे हुए।
अगर आपको चेक करना है कि आपके त्वचा के नीचे कितना वसा इकट्ठा हो गया है, स्निग्ध पदार्थ फैट्स कितने इकट्ठा हो गए हैं, तो अगर आप अपनी चमड़ी को पकड़ोगे, अगर वो पतली उठती है, पकड़ कर खींचने पर पतली होती है, तो मतलब फैट जो सेल्स है वो कम है। लेकिन अगर आप उसको पकड़ो और उसको उठा ना पाओ, इतना मोटा हो कि आप उसको ज्यादा समय तक खींच भी ना पाओ, तो इसका अर्थ है कि तुम्हारे शरीर में ढेर सारे एडिपोस टिश्यू इकट्ठा हो गए हैं। स्थान, त्वचा के नीचे आंतरिक अंगों को घेरे हुए उपस्थित होते हैं। इनका स्वरूप क्या है? ये वसा युक्त कोशिका द्वारा बने होते हैं, जिसे हम एडिपोसाइट कहते हैं। वसा युक्त कोशिका के बने होते हैं जिसे हम एडिपोसाइट कहते हैं। यहाँ पर पिक्चर में आप ऊपर देख सकते हो, पीले कलर रंग में हमें दिखाई दे रही है ये कोशिका, जिसे हम एडिपोसाइट कहते हैं। ये जेली जैसे आधारक में आबद्ध होती है, धसी हुई होती है। इनका कार्य क्या है? तापरोधक, हमारे शरीर का टेम्परेचर मेंटेन करना, ठंडी हो गर्मी हो, हर एक कंडीशन में ये हमारे शरीर की सुरक्षा करती हैं। टेम्परेचर इंसुलेटर का काम करती हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं, एक पतला व्यक्ति और एक मोटा व्यक्ति है। ये मोटा व्यक्ति कैसे मोटा हो गया, क्यों मोटा हो गया, इसका आंसर आज आपको पता हुआ होगा। मेन जो महत्वपूर्ण कार्य है वसी संयोजी ऊतक का, स्निग्ध पदार्थों को इकट्ठा करना। ये क्यों इकट्ठा होता है? अगर कभी हमें बहुत समय तक भोजन नहीं मिला, 2-3 दिन तक फास्टिंग हो गया, खाना नहीं खाया हमने ठीक से, तो उस वक्त ये एडिपोस टिश्यू ऊर्जा देने का कार्य करती है। हमारे शरीर के जो भी महत्वपूर्ण अंग हैं, उनको ऊर्जा प्रदान करती है, ताकि वो अपना कार्य ठीक ढंग से कर सके। पांचवा संयोजी ऊतक उपस्थि, इसे हम कार्टिलेज कहते हैं। नाक, कान, स्वरयंत्र, श्वसन नली का जो उपस्थि होती है, ये सॉफ्ट बोन कहते हैं इसे, कार्टिलेज सॉफ्ट बोन होता है। हम अपना नाक पकड़कर हिला सकते हैं, कान पकड़कर हिला सकते हैं, उसे मोड़ भी सकते हैं, दर्द नहीं होता, ठीक है। तो ये किसकी बनी हुई है? उपस्थि की बनी हुई है। इनकी स्थिति नाक, कान, स्वर यंत्र और श्वसन नलिका के आसपास। स्वरूप, ये तंतुमय होती हैं, लचीली कोशिका है। आप कान पकड़ के अपना मोड़ सकते हैं, तो मुड़ जा रहा है, इसका अर्थ है कि वो लचीला है। जेली जैसे आधारक में ये आबद्ध होते हैं। इनका कार्य क्या है? हड्डियों के पृष्ठ भाग को गद्देदार रखना। हमारे हड्डी के जितने भी जोड़ हैं, हमारे शरीर में जितने भी जोड़ हैं, उस जोड़ के स्थान पर आप इस में देख सकते हैं कि जितने भी जोड़ हैं, उनका बाहरी भाग जहां से वो जुड़ रहे हैं, वहां पर एक गद्देदार ऊतक उपस्थित है। इसे हम उपास्थि कहते हैं। इनका कार्य क्या है? अंगों को आकार देना, आधार देना और गद्देदार रखना, ताकि जहां पर हड्डियां जुड़ी हुई हैं, वो एक दूसरे से रगड़ कर घिसे नहीं, उनकी सुरक्षा हो। जब बहुत इंसान बूढ़ा हो जाता है, तब उनके घुटनों में, हड्डियों में दर्द होता है। जहां पर जोड़ होता है वहां पर दर्द होता है। ये दर्द क्यों होता है? चलने पर, उठने पर, बैठने पर क्यों दर्द होता है? क्योंकि यही उपास्थि जो है, समय के साथ, उम्र बढ़ने के साथ साथ घिस जाती है और दर्द होने लगता है। उपस्थि की कोशिकाओं को हम कॉन्ड्रोसाइट कहते हैं। अस्थि, हड्डियां, बोन, हमारे शरीर को एक निश्चित आकार इन हड्डियों के कारण ही मिलता है। हड्डियों का कार्य क्या है? शरीर के महत्वपूर्ण अंगों की सुरक्षा करना और एक आकार और आधार प्रदान करना शरीर को। संपूर्ण शरीर भर में हड्डियां उपस्थित होती हैं। आपके शरीर के हर एक भाग में हड्डियां हैं। कान के अंदर सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है। स्वरूप, इनका स्वरूप कैसा है?
ये कैल्शियम फॉस्फेट की बनी हुई है, घन रूपी आधारक व अस्थि पेशी की बनी हुई है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं शरीर का ये जो ढांचा है हड्डियों का बना हुआ है, और हड्डी एक संयोजी ऊतक है, अस्थि कोशिकाएं कैल्शियम फॉस्फेट की बनी हुई है, इन्हें हम ऑस्टियोसाइट कहते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि दूध पियो, क्योंकि दूध में कैल्शियम पाया जाता है। कैल्शियम क्यों जरूरी है? हमारी हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए कैल्शियम की हमें आवश्यकता होती है। ये बहुत ही मजबूत होते हैं, हड्डियां मोड़ी नहीं जा सकती, काफी मजबूत होती हैं। इनका कार्य क्या है? शरीर के सभी अंगों को आधार देना, हलचल में मदद करना, और महत्वपूर्ण वाइटल ऑर्गन जो हमारे शरीर के अंदर उपस्थित हैं, उनका संरक्षण करना। सातवां है स्नायु रज्जु, टेंडन। स्नायु रज्जु का कार्य क्या है? इस वीडियो में आप देखिए उसका स्थान कहाँ पर है। जहां पर संधि है, संधि की जगह जैसे कूनी या फिर टखना, वहां पर ये उपस्थित होती हैं। तंतुमय, मजबूत और कम लचीली होती हैं। दो हड्डियों को साइड साइड से जोड़ने का कार्य स्नायु रज्जु करते हैं। कभी कभी हमें मोच आ जाता है, जोड़ों के पास दर्द होता है, है ना? ये क्यों होता है? क्योंकि स्नायु रज्जु में जब खिंचाव हो जाता है तो ऐसे प्रॉब्लम्स हमें हो सकते हैं। इनका कार्य क्या है? स्नायु को हड्डियों से जोड़ना, हड्डियों के ऊपर के जो स्नायु है उनको हड्डियों के साथ चिपका देना, जोड़ देना, यही कार्य स्नायु रज्जु करते हैं। अस्थिबंध, लिगामेंट्स। हमारे हाथ की अंगुलियां हम आसानी से हिला सकते हैं, अंगूठा पीछे तक लेके जा सकते हैं, पैर का जो पंजा है उसको हम हिला सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं। क्यों ऐसा होता है? अस्थिबंध के कारण होता है। संधि की जगह सेम कुनी, टखना, उंगलियां, इन सब स्थानों पर ये उपस्थित होती हैं। ये बहुत ही लचीली और मजबूत होती हैं। इनका कार्य भी दो हड्डियों को जोड़ने का कार्य ये करती हैं। इस वीडियो में आप देखिए अस्थिबंध हड्डियों को जोड़ने का कार्य करती हैं। संयोजी ऊतक के 8 प्रकार ये हमने पढ़ लिए हैं। अब हम शुरू करेंगे मांसपेशीय ऊतक, जिसको हम मस्कुलर टिश्यू कहते हैं। मांसपेशी ऊतक, ये जो मांसपेशी तंतु होता है ये लंबी कोशिकाओं का बना होता है। इसके पहले जितने भी हमने पढ़े थे संयोजी ऊतक, वो सभी तंतुमय नहीं थे, उनकी कोशिकाएं घन रूपी थी, अलग अलग प्रकार की थी, पर लंबी कोशिकाओं की नहीं थी। यहाँ पर जो मांसपेशी ऊतक है ये लंबी कोशिकाओं के बने होते हैं, और इनमें संकोची प्रथिनों के अंकुचन और प्रसरण के कारण हमारी मांसपेशियों में गतिविधि होती है। ये 3 प्रकार की होती है, मांसपेशी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। मस्क्यूलर टिश्यू 3 प्रकार के होते हैं, पट्टकी स्नायु, अपट्टकी स्नायु और हृदय स्नायु। पट्टकी स्नायु किसे कहते हैं, अपट्टकी स्नायु किसे कहते हैं, इनका कार्य क्या है, इनका स्थान क्या है, ये सारे हम आगे की स्लाइड में पढ़ेंगे। पहला है पट्टकी स्नायु, ये लंब दंड गोलाकार अशाखी और बहुकेंद्र की मांसपेशी होती है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं ये जो पिंक कलर के आपको केंद्रक दिखाई देते हैं, ये ढेर सारे केंद्रक यहाँ पर उपस्थित हैं, और लंब दंड गोलाकार जो आकृति है उसमें हमें बैंड दिखाई दे रहा है, गाढ़ा ऑरेंज बैंड दिखाई दे रहा है, ठीक है? इसीलिए इसे हम पट्टकी स्नायु कहते हैं, पट्टे दिखाई दे रहे हैं इसीलिए हम इसे पट्टकी स्नायु कहते हैं। ये अशाखी होती है, शाखाएं इसमें निकली हुई नहीं है, सिंगल सिंगल सेल्स हमें दिखाई दे रहे हैं जो कि बहुकेंद्र की है। स्वरूप,
मांसपेशियों पर गाढ़े व हल्के पट्टे होते हैं। हड्डियों से जुड़े होने के कारण इन्हें हम कंकाल मांसपेशी कहते हैं। इन मांसपेशियों में गतिविधि हमारी इच्छा अनुसार होती है। अगर हमें चलना है, उठना है, बैठना है, झुकना है, ये सारी चीजें हम जब करना चाहें तब कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहें तो नहीं कर सकते हैं। इसका अर्थ है कि हमारी इच्छा के अनुसार ये मांसपेशियां काम करती हैं, इसीलिए हम इसे ऐच्छिक मांसपेशी कहते हैं। हाथ पैर का हिलना, इनका कार्य क्या है? हाथ पैर को हिलाने में मदद करना, दौड़ना, बोलना, इन गतिविधियों को कराने वाली मांसपेशी पट्टकी मांसपेशी होती, पट्टकी स्नायु होती है। नेक्स्ट है अपट्टकी स्नायु। पहले के स्लाइड में हमने जब पट्टकी स्नायु देखा था और जो अपट्टकी स्नायु अब हम देख रहे हैं, दोनों के आकृति में बहुत ही डिफरेंस है। आप देख सकते हैं ये कैसी हैं, दोनों किनारों पर संकरी हैं, छोटी अशाखीय एक केंद्रीय मांसपेशी है। हर एक कोशिका में एक केंद्रक हमें दिखाई दे रहा है, पिंक कलर का, डार्क पिंक कलर का हमें केंद्रक इसमें दिखाई दे रहा है। दोनों किनारों पर संकरी हैं, छोटी अशाखीय व एक केंद्र की मांसपेशी है। इनका स्वरूप कैसा है? गाढ़े व हल्के पट्टे नहीं होते हैं, यह हड्डियों से जुड़े हुए नहीं होते हैं। इनकी मांसपेशी, इन मांसपेशियों की गतिविधि पर हमारा नियंत्रण नहीं होता, हम इसे कंट्रोल नहीं कर सकते। ये जो कार्य कर रही हैं वो करते रहेंगे, हम उसे रोक नहीं सकते, इसलिए हम इन्हें अनैच्छिक मांसपेशी कहते हैं। इस वीडियो में हम देख सकते हैं कि ये कहां कहां पर उपस्थित होती हैं। ये पाचन संस्थान दिखाई दे रहा है इस वीडियो में, अन्न नलिका व रक्त वाहिनियों में उपस्थित होती हैं। कहां कहां पर उपस्थित होती हैं देखिए, पलकों का गिरना तथा उठना, मतलब हमारी पलकों के आसपास अपट्टकी स्नायु होती हैं। पलकों का गिरना और उठना ऑटोमेटिक होता है, हम इसे कंट्रोल नहीं कर सकते। पाचन संस्थान, हमारे शरीर में पाचन की क्रिया कंटिन्यूअस होती रहती है, श्वसन की क्रिया होती रहती है, रक्त परिसंचरण होते रहता है, हम इसे कंट्रोल नहीं कर सकते। इसका अर्थ है अपट्टकी स्नायु अनैच्छिक तरह की मांसपेशी होती है, जिसकी क्रिया को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। उदाहरण यहाँ पर दिया हुआ है, पलकों का गिरना तथा उठना, पाचन संस्थान द्वारा भोजन का प्रवास, ये हम वीडियो में देख चुके हैं, रक्त वाहिनियों का आंकुचन और प्रसरण कराने वाली मांसपेशी अपट्टकी प्रकार की मांसपेशी होती है। मांसपेशी ऊतक का आखिरी प्रकार है हृदय स्नायु। हृदय स्नायु सिर्फ और सिर्फ हृदय में पाया जाता है। कैसा दिखता है देखिए, दंड गोलाकार, शाखीय व एक केंद्रीय मांसपेशी, इसमें शाखाएं दिख रही हैं हमें। दंड गोलाकार लंबी लंबा स्नायु है और इसमें हमें शाखाएं दिखाई दे रही हैं। इनका स्वरूप कैसा होता है देखिए, आकृति में दिख रहा है, मांसपेशी पर गाढ़े व हल्के पट्टे होते हैं। हृदय इन मांसपेशियों से बना हुआ होता है। इन मांसपेशियों की गतिविधि पर हमारा नियंत्रण नहीं होता, इसीलिए यह भी अनैच्छिक प्रकार की मांसपेशी होती है। लयबद्ध पद्धति से आंकुचन व प्रसरण होता है। हमारा जो हार्ट है उसमें जो धड़कन होती है, धड़कने की जो क्रिया होती है, वो एक लयबद्ध पद्धति से होती है। अगर ये लय बिगड़ता है तो हमें हार्ट प्रॉब्लम्स होते हैं। हृदय स्नायु का कार्य क्या है? हृदय का आंकुचन व प्रसरण कराने वाली मांसपेशी है, मतलब हृदय का आंकुचन और प्रसरण करने में ये मदद करती है।
ओके आखिरी हम पढ़ने वाले हैं तंत्रिकीय ऊतक। तंत्रिकीय ऊतक क्या होता है? ये हमारे मस्तिष्क को शरीर के हर एक भाग से जोड़ता है। हमारे शरीर के हर एक भाग में जो हमें उद्दीपन मिलता है, जो कुछ भी हमें महसूस होता है, ये सारे सेंस को ब्रेन तक पहुंचाया जाता है और ब्रेन तक पहुंचाने का कार्य तंत्रिकीय ऊतक करता है। स्थान क्या होता है तंत्रिकीय ऊतक का? मस्तिष्क, मेरुरज्जु व तंत्रिकाएं तंत्रिका ऊतक से बनी हुई होती हैं। एक तंत्रिका कोशिका 1 मीटर तक लंबी हो सकती है। हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन्स होते हैं, तंत्रिका होती है। ठीक है, तंत्रिका ऊतक जो है, तंत्रिकाएं जो है, हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है, जिसको हम न्यूरॉन कहते हैं। कई तंत्रिका तंतु संयोजी ऊतकों से जुड़कर तंत्रिका का निर्माण करते हैं। इनका स्वरूप कैसे होता कैसा होता है देखिए। कोशिका देह जो मुख्य भाग होता है न्यूरॉन का, तंत्रिका का, उसके बीच में केंद्रक होता है और कोशिका देह से ढेर सारी वृक्षिकाएं निकलती हैं। जो तंतु निकलते हैं कोशिका देह से, उसे हम वृक्षिका कहते हैं और उन एक वृक्षिका काफी बड़ी होती है, लंबी होती है, जिसे हम अक्षक तंत्रिकाक्ष कहते हैं। और ऐसे ढेर सारे न्यूरॉन्स जुड़कर उद्दीपनों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। उदाहरण के स्वरूप में अगर आपको पैर में चींटी काट रही है या फिर कुछ चुभ गया है, तो ये चुभने का जो दर्द है, जो सेंसेशन है, ये हमें कैसे पता चलता है? इन्हीं तंत्रिकाओं की मदद से हमें पता चलता है और ये बहुत ही तेजी से होता है। ओके, स्वरूप मैंने आपको बता दिया है कि ये कैसा दिखता है। कोशिका देह में केंद्रक होता है और उसमें कोशिका द्रव्य उपस्थित होता है। कोशिका देह से अनेक तंतु निकलते हैं जिन्हें हम वृक्षिका कहते हैं और इन वृक्षिकाओं में से एक तंतु काफी लंबा होता है, जिसे हम अक्षक तंत्रिकाक्ष कहते हैं। इनका कार्य क्या है? उद्दीपनों को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाना। मांसपेशी ऊतक के कार्यात्मक संयोग से उद्दीपन की अनुक्रिया करना। जैसे अगर आपको हाथ में चींटी काट रही है और वो उद्दीपन हमारे ब्रेन तक पहुंचा है, तो हमारे मांसपेशी ऊतक की मदद की सहायता से हम उस चींटी को हटा देते हैं, भगा देते हैं। आज जो हमने घटक पढ़ा है, संयोजी ऊतक, मांसपेशी ऊतक और तंत्रिकीय ऊतक, यहाँ पर ये हमारा टॉपिक खत्म हो रहा है। ये सारे इंफॉर्मेशंस मैंने बाल भारती पाठ्य पुस्तक से ली हूँ, यूट्यूब फॉलो किया है, वहां से वीडियोस जो आपने वीडियोस देखे हैं वो सारे वीडियोस यूट्यूब से लिए गए हैं और एक्स्ट्रा इफेक्ट डालने एक्स्ट्रा रेफरेंस मैंने सेल बायोलॉजी ये टेक्स्ट बुक रिफर किया एक रेफरेंस बुक रिफर किया है जो कि एस चांद द्वारा लिखा गया है। स्वाध्याय, अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। स्वाध्याय के लिए मैंने कुछ प्रश्न यहाँ पर दिए हुए हैं, आप इसको सॉल्व कीजिए। आशा है कि जो भी पढ़ाया गया है आपको, उसको अगर आप रिफर करते हैं तो ये सारे आंसर्स आप लिख पाएंगे। अगर किसी को डाउट है तो आप मुझे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ओके ओके स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू।